हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तो 3,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती आ रही है, ऐसे में यहाँ पर एक नया बदलाव जो कि एक ही दिन में जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं क्या कहा गया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती अब एक ही दिन में कवर करी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर देखिए एक दिन में एक साथ सभी पदों की काउंसलिंग, यानी कि हर जनपद में जिलेवार पद भरे जाएंगे, लेकिन आपकी भर्ती जो होगी एक ही दिन एक ही साथ सभी जनपदों की कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि यहाँ पर जो है पदों को एक साथ भरने के लिए जो है शिक्षा विभाग काउंसलिंग जो है को एक दिन एक साथ करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जो है पात्र अभ्यर्थी एक से ज़्यादा जो है जिलों में आवेदन की जो है छूट है, ऐसे में यहाँ पर मेरिट बनने के बाद जो है कई जिलों के पद जो है रिक्त रह जाते हैं और उन्हें भरने के लिए जो है दोबारा शून्य से जो है प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि चयन और यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है इसका खाका तैयार किया गया है जा रहा है। तो इसका तैयार किया जा रहा है, जल्द ही यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा पदों की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है प्राइमरी लेवल में। इसके लिए पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आचार संहिता की जो यहाँ पर उनसे हैं आप परमिशन दे दी है, शिक्षा मंत्री ने परमिशन दे दी है। जैसे ही यहाँ पर आचार संहिता समाप्त होती तुरंत भर्ती आपको निकल जाएगी और एक ही दिन में सब कुछ होने वाला है पदों की भर्ती। इसमें बीएड वाले को मौका नहीं मिलेगा, डीएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे।